हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आइकॉन एजुकेशन पे। आज हम लोग स्टैटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मीडियन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्पेशली अगर देखा जाए तो ये टॉपिक 9th 10th में ही पढ़ना है, ठीक है, बट रेलवे में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने इस टॉपिक को इसलिए चूज किया है क्योंकि मैंने जब प्रीवियस ईयर को उठाया था स्टैटिक्स का, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे गए थे। तो चलिए अब इस वीडियो को सीधा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि अगर नॉर्मल डाटा का दिया हो, जैसे 2 हो गया, 2, 4, 6, 7 इस टाइप का अगर कोई डाटा दिया हुआ है, तो इसका मीडियन निकालना बहुत ईजी होता है, ठीक है। बट अगर टेबुलर फॉर्म में इस टाइप का डाटा दिया हो तो इसका मीडियन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उसका रीज़न ये है कि आपको वो फार्मूला याद रखना पड़ेगा, और फार्मूला में क्या क्या टर्म है उसको अच्छे से समझ रखना पड़ेगा। अगर उसमें कुछ गलती की है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अब इसमें ये टर्म क्या क्या है। तो एल क्या है कि सबसे पहले मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, और उसके बाद जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, ठीक है, तो वो उसको यहाँ से आप लोग खुद समझ लोगे। तो एल क्या है कि ये लोअर लिमिट है मीडियन क्लास का, ठीक है। और उसके बाद एन है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सी एफ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और एच है इन दोनों के बीच का गैप, जो भी इन दोनों के क्लास में गैप है, ठीक है। तो अब हम लोग सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं और इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग को मीडियन क्लास निकालना पड़ेगा, और मीडियन क्लास निकालने के पहले भी हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जर्वेशन जो दिया हुआ है टोटल को ऐड करते हैं। तो क्या हो गया, 7 4 7 4 11, 18 29 11 40 46 4 50, तो एन इक्वल्स टू क्या हो गया, 50, ठीक है। तो हम लोग को मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मीडियन क्लास के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, एन बाई टू, ठीक है, एन बाई टू किए, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मीडियन क्लास हम लोग का एन बाई टू किए, मतलब 50 बाई 2 बराबर 25, ठीक है। तो मीडियन क्लास हम लोग का 25 यहाँ से ऐसे निकला है, ठीक है। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकाला जाता है। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, पहले तो 4 को जो है उसको एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे कॉर्नर वाइज कॉर्नर ऐड करते चलेंगे। तो 7 4 11 हो गया, 18 11 29 हो गया, ठीक है, 29 11 40 हो गया, ठीक है, 40 6 46 हो गया, और 46 4 50 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो लास्ट में आए और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये ऑलवेज सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सेम नहीं है तो इसका मतलब आप कुछ गलती किए हैं ऐड करने में, ठीक है। तो इसको क्रॉस चेक करने का एक यहाँ पे तरीका ये है, ठीक है। तो अब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हम लोग निकल गए, अब हम लोग मीडियन क्लास को देखते हैं कि हम लोग का इसमें मीडियन क्लास कौन सा होगा। तो मीडियन क्लास में हम लोग क्या आया, 25 आ रहा है। तो हम लोग को देखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया है उसमें 25 के आसपास कौन सा नंबर है। तो 25 के आसपास देखेंगे कि ये 29 है, ठीक है, 29 है, और उसके बाद 11 तो बहुत पहले है, 40 तो 29 के भी बाद है। तो हम लोग का ये 29 क्या हो जाएगा, ये मीडियन क्लास हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, मीडियन क्लास, ठीक है। अब यहीं से क्वेश्चन सारा सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम लोग सी एफ क्या होता है, तो जो मीडियन क्लास है उसके पहले वाला कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी, तो ये 11 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है। और एफ एफ जो यहाँ पे वो क्या होगा, ये मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी, ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है। अब एच क्या हो जाएगा, एच क्या हो जाएगा, ये दोनों के क्लास के बीच का डिफरेंस, तो दोनों में 5 5 का डिफरेंस है, तो एच 5 हो गया। और एल मैंने क्या बताया था, जो मीडियन क्लास होगा उसका लोअर लिमिट, तो एल बराबर क्या हो गया, 145, एल बराबर क्या हो गया, 145। अब हम लोगों ने सब कुछ समझ लिया है कि इसमें इस टर्म को अच्छे से समझ लिया कि क्या क्या था फार्मूले में। अब हम लोग फार्मूला को पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग पुट करते हैं, तो एल बराबर हम लोगों ने क्या निकाला, 145। उसके बाद एन बाई टू का वैल्यू कितना है, 50 बाई 2 25, ठीक है। उसके बाद सी एफ, सी एफ हम लोगों का क्या है, 11 बटे एफ, एफ हम लोगों का क्या था, 18, ठीक है।
और एच क्लास गैप कितना है? 5। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 145 हो गया, और 25 में से 11 गया 14/18 × 5। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो 145 + 14 × 5 = 70/18। तो 70/18 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ सकता है, तो 18 × 72 मतलब 4 के अराउंड सम कुछ आएगा। ठीक है, तो 3.18 + 54 = 16, 18 9 = 28, मतलब 3.9 के आसपास जो है समथिंग आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग को तीनों को दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 148.9। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 148.9। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर आपको ये फॉर्मूला याद है और इसमें जो टर्म यूज किया गया है, ठीक है, उसके बारे में अच्छे से नॉलेज हो तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।